वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ल्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। और चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे सेंटेंसेस आज देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस के, हम एक नई सीरीज हम बदल करके देखेंगे हमारे सिंपल सेंटेंसेस को, जहां पर हम सेंटेंसेस को एक बार फिर से रीराइट करेंगे। हमारे जो सेंटेंसेस हो सकते हैं हमें पहले से किसी क्लॉज में दिए होंगे, या हमारे सेंटेंसेस दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस होंगे। हम सिंपल सेंटेंसेस को और एक आसान छोटा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या हमारे क्लॉज में जुड़े हुए किसी अलग से सेंटेंसेस को किसी और रूप में दिए हुए सेंटेंसेस को हम उन्हें सिंपल बनाएंगे। हम देखेंगे कि हमारे सिंपल सेंटेंसेस किस प्रकार से किए जा सकते हैं। अगर लगातार आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए तो आपने सारे हमारे पिछले लेसन्स को देखे होंगे, आपने सीखा होगा कि किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस हमारे जीवन में कितने उपयोगी होते हैं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से सारे लेसन्स को रिवीजन कर सकते हैं, और कुछ लिंक भी हमने आपके साथ शेयर किया है जहां से आप हमारे उन लेसन्स तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे इसी सीरीज में इस नए वीडियो के साथ में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हमारे कुछ ग्रामर के सेंटेंसेस, जो हमें परीक्षाओं में आंसर देने में मदद करेंगे। आज हम देखेंगे हमारे एनएफ टू से बनने वाले हमारे उन सेंटेंसेस को, जहां पर सेंटेंसेस को एनएफ टू से जोड़े जाते हैं और उन्हें आसान शब्दों में उनके मीनिंग निकल जाते हैं, हमारी बोलचाल में भी बहुत उपयोगी होते हैं। हम इस तरह के सेंटेंसेस न्यूज़पेपर में, कहानियों में पाते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस हमारे जीवन के ही अंग होते हैं, जिसे हम ज्यादातर नहीं बोलते हैं हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, लेकिन ये अंग्रेजी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हम देखेंगे हमारे एनएफ टू से बनने वाले हमारे उन सेंटेंसेस को जो होंगे हमारे नॉन फिनाइट क्लॉज। तो हम साथ में क्लॉज भी पढ़ रहे हैं, आज हम देखेंगे क्लॉज नॉन फिनाइट वर्ब से बनने वाले जो भी सेंटेंसेस हमें मिलते हैं वो नॉन फिनाइट क्लॉज कहला सकते हैं। उनमें आज जो हमारे सेंटेंसेस होंगे हम देखेंगे कि नॉन फिनाइट क्लॉज एनएफ टू से हम किस तरह से बनाएंगे। हम किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ेंगे एनएफ टू से, या हमें दो सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे जिसे हम एनएफ टू से बनाएंगे, और वो सेंटेंसेस हमारे कंजक्शन बदल के हम कर सकते हैं। जो हमारा कंजक्शन है आज जो हमें जुड़ने के लिए शब्द मिलेगा वो एनएफ टू होगा, और हमारा सेंटेंस बनेगा सिंपल। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ हमें समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे। पहले आप उन्हें अच्छे से देख लीजिए, समझते चलेंगे हम उन्हें साथ में, और फिर आप उन्हें लिख लीजिएगा। हमारे जीवन के बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होंगे, साधारण होंगे, जिसे आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और उनको आप अपने जीवन में भी महसूस कर पाएंगे। हमारा पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर, यू आर सो स्ट्रांग दैट यू कैन फाइट अलोन। एनएफ टू का प्रयोग हमें करना है, तू इतना बलशाली है कि तू अकेले ही लड़ सकता है, या आप इतने बलशाली हो, स्ट्रांग हो कि अकेले ही लड़ लोगे। किसी की क्षमता को हम दिखा रहे हैं, कैन से बता रहे हैं हमारा दो सेंटेंसेस को, हम जो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज रीजन में आप देख रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर किस तरह से बना करके सिंपल करेंगे। हमारे सेंटेंस पहले से आने वाले क्लॉज को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम एनएफ टू से सिंपल बनाने जा रहे हैं। यू आर स्ट्रांग एनएफ टू फाइट अलोन, एनएफ टू से हमने इसे सिंपल बनाया है। यू आर स्ट्रांग एनएफ टू फाइट अलोन, एनएफ टू से हम इस तरह से उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि वो लड़ने के लिए, अकेले ही लड़ने के लिए इतना मजबूत या पर्याप्त है। तो वो इतना ही मजबूत है, अकेले ही लड़ने के लिए वो काफी है, पर्याप्त है, वो अकेले ही लड़ लेगा, बहुत ही है। वो जिस भी बात को हम यहाँ दिखाएंगे उसके एनएफ टू से हम उसकी तुलना कर देंगे, यहाँ पर वो स्ट्रांग है। देखिए सेंटेंस को जोड़ते समय आप ध्यान रखिएगा, आपको जो भी सेंटेंस है एनएफ टू साथ में लिखना है। स्ट्रांग जो हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव के बाद में हमारे आने वाले कंजक्शन एनएफ टू का यूज करना है। और भी एग्जांपल्स आपके सामने आते जाएंगे, हम धीरे धीरे करके इनके सेंटेंस को समझते चलते हैं। चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा ये पहला एग्जाम्पल, जहां पर हम दिखा रहे हैं कि वो इतना स्ट्रांग है, अकेले लड़ने में काफी सक्षम है। दूसरा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, सी इज सो इंटेलिजेंट, तो वो इंटेलिजेंट है, काफी इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, दैट सी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन, तो वो इतनी तेज है कि सारे प्रश्न कर सकती है, अकेले ही कर सकती है, वो तेज है, तो वो इतनी तेज है, वो इनफ है किसी सारे सवाल को करने के लिए। सिंपल हम बनाते हैं, एनएफ टू का प्रयोग करते हैं, सी इज इंटेलिजेंट एनएफ टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, तो वो इंटेलिजेंट है सारे प्रश्न को करने के लिए, पर्याप्त काफी है, वो खुद ही इतनी इंटेलिजेंट है, तो सी इज इंटेलिजेंट एनएफ टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन। तो हमारा जो प्रश्न था अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, सो दैट से होने वाला वो सेंटेंस हमारा एडवर्ब क्लॉज था, एडवर्ब क्लॉज को हमने नॉन फिनाइट क्लॉज एनएफ टू से सिंपल सेंटेंसेस बनाया। हमारे एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंसेस अक्सर पूछे जा सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जो हमें आते हैं वो पढ़ने में भी हमें न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं, कहानियों में मिलते हैं, हम इन तरह के सेंटेंस से आसानी से छोटे वाक्य बोल पाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, देखिए ये तीसरा एग्जाम्पल, दे आर सो रिच दैट दे कैन अफोर्ड फॉरेन टूर, वो इतने धनी हैं कि विदेश का जो भ्रमण है, विदेश जाने का खर्चा उठा सकते हैं।
तो वो लोग धनी हैं इस चीज के लिए, वो काफी है कि जो भी बड़ा खर्चा आएगा, जो खर्च होगा वो उठा सकते हैं, वो खर्च को वहन कर सकते हैं। तो धनी है तो वहन कर सकते हैं, तो हम उसे आराम से एक ही बार में बोलते हैं, हमें सो दैट के साथ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम उस सेंटेंस को एनफ टू से कंजक्शन बदल के बोलेंगे, सिंपल बना लेंगे, दे आर रिच एनफ टू अफोर्ड फॉरेन टूर, वो इतने धनी है, वो फॉरेन का टूर, विदेश का खर्च उठाने में, विदेश भ्रमण जाने में काफी अमीर है, खर्च उठा सकते हैं। तो विदेश का खर्च उठाने में वो काफी अमीर है, वो इतने अमीर है कि विदेश का खर्च उठा सकते हैं। तो देखिए छोटा सा सेंटेंस बन गया, अर्थ वही निकलेगा। अर्थ हम यहाँ पर हमारे जो भी हिंदी में हम उस तरह के वाक्य बोलते हैं उसे समझ के हम वहां पर उसके हिंदी के अर्थ निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा सेंटेंस आपके स्क्रीन पर, ही इज सो लकी दैट ही ऑलवेज गेट्स अनदर चांस। तो दुनिया में बहुत से लोग कम ही लकी होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति है जो बहुत लकी है, खुश नसीब है, उसे अक्सर ही अगला मौका, दूसरा मौका मिल जाता है। तो वो इतना खुश नसीब है कि उसे हमेशा ही दूसरा मौका मिल जाता है, तो वो काफी लकी है, हम ऐसा बोलेंगे, वो काफी लकी है, ही इज लकी एनफ टू गेट अनदर चांस। तो हमें इतना लंबा सेंटेंस ना बोल के छोटा सा ही बोलने के लिए एनफ टू आसान बना देता है हमारे कॉन्वर्सेशन को, हमारे सेंटेंसेस को। ही इज लकी एनफ टू गेट अनदर चांस, उसे दूसरा मौका मिलने में वो काफी खुश नसीब है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, माई ग्रैंड डैड इज टू स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन क्लाइम द हिल। तो मेरे दादाजी, मेरे जो दादाजी इतने मजबूत हैं, बूढ़े हैं लेकिन वो मजबूत हैं, वो पहाड़ चढ़ सकते हैं। तो जो पहाड़ है वो चढ़ सकते हैं लेकिन मजबूत है, बुजुर्ग होने के बाद भी उनके मजबूती, उनके स्ट्रॉन्ग, उनकी जो हेल्थ है उनके बारे में हम बता रहे हैं, वो चढ़ने में काफी सक्षम है। हम यहाँ पर उसे काफी सक्षम है इसे बना लेंगे, माई ग्रैंड डैड इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू, काफी है क्लाइम द हिल, तो वो पहाड़ चढ़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जो सेंटेंस हम जो हिंदी में काफी करके बोलते हैं उसका अर्थ यहाँ पर निकल जाएगा, मेरे दादाजी पहाड़ चढ़ने में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा इस तरह का हिंदी निकलता है, हम जो काफी करके बोलते हैं, पर्याप्त करके बोलते हैं, हमें उस प्रकार के बोलने की मदद एनफ टू से मिलती है, सिंपल बनाने की मदद मिलती है। हमारा जो सेंटेंस बन जाता है वो नॉन फिनाइट क्लॉज के रूप में होता है, हमें बोलचाल के रूप में ग्रामर में इतने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ सेंटेंसेस बनाना सीखिए, बोलना सीखिए, उसे अपने लाइफ में प्रयोग करना सीखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आपको ये सेंटेंसेस बहुत आसान होते जाएंगे। आपको जो जरूरत होगी रोज इस तरह के प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा हर प्रकार के सेंटेंसेस करने की होगी। तो हमने देखे इस तरह के एग्जाम्पल जहां पर हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना रहे हैं, या दो सिंपल सेंटेंसेस को भी हम कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनाएंगे। तो हमारे सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल के सेंटेंसेस हम इस लगातार सीरीज देख रहे हैं, पिछले सीरीज में भी हमने ऐसे सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आप अगर लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हमें किस तरह से हेल्प करते हैं हमारे कन्वर्सेशन में, और भी सेंटेंसेस देखते हैं हम जो सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पर बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स या दो सिंपल सेंटेंसेस को एनअप टू से जोड़कर कंजक्शन बदल के बनाएंगे, हमारे जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे वो आसान हमारे कन्वर्सेशन को कर देते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, जहां पर आप हमारे साथ तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, नए नए शब्दों को देख सकते हैं, और फेसबुक पेज पर हम कर सकते हैं चैट भी। तो चलिए देखते हैं हमारे अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, हिज रूम इज वेरी लार्ज। तो जो उसका कमरा है, अगर वो किसी शहर में बाहर पड़ता है, वहां पर किसी को ठहरना है थोड़े दिनों के लिए जा करके, तो उसका कमरा इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, इट कैन अकोमोडेट 10 बॉयज इजीली। तो वहां पर 10 बच्चे, 10 लड़के आराम से आ जाएंगे, मतलब उसमें 10 बच्चे रुक सकते हैं उस कमरे में। तो लार्ज है, बड़ा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर एनएफ टू से जोड़कर, हिज रूम इज लार्ज एनएफ टू अकोमोडेट 10 बॉयज इजीली। तो उसका कमरा 10 लड़कों को आसानी से रखने में काफी है, पर्याप्त है। तो उसका जो कमरा है बड़ा है, 10 बच्चों को, 10 लड़कों को रखने के लिए, रुकने के लिए वहां पर पर्याप्त है। तो हमारा सेंटेंस बन गया। देखिए दो सेंटेंस था, दो सिंपल सेंटेंस था, इस बार इन दो सिंपल सेंटेंसेस को हमने एक सिंपल सेंटेंस में बना लिया, सिंपल बना लिया, छोटा बना लिया, एक ही बार बोलने में हमें वो आसान हो गया। हमारा जो सेंटेंस एनएफ टू से बनता है इसे हम ग्रामर की भाषा में नॉन फिनाइट क्लॉज भी कहते हैं, हमारा क्लॉज भी बन गया। ऊपर जो आप दो अलग अलग सेंटेंसेस देख रहे हैं उन्हें हमने सिंपल सेंटेंस में परिवर्तन कर लिया, जोड़ लिया, जो हमें एग्जाम्स में अगर जोड़ने को आ जाते तो कितना आसानी से हम इसे बना सकते थे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिस रूम इज वेरी डर्टी, इट कैन कीप एवरीबडी अवे। तो ये जो कमरा है इतना गंदा है कि ये कमरा हर किसी को अपने से दूर रख सकता है, तो इस कमरे में कोई आना पसंद नहीं करेगा, इतना गंदा है कि ये खुद ही दूसरे को
अपने पास तक नहीं आने देगा। एनएफ टू से हम इसे सिंपल बनाते हैं, इस कमरे में कोई आना नहीं चाहेगा। दिस रूम इज डर्टी एनएफ टू कीप एवरीबडी अवे, तो यह कमरा हर किसी को अपने से दूर रखने में पर्याप्त है, काफी है। दिस रूम इज डर्टी एनफ, बहुत काफी गंदा है, इससे दूर रहेंगे सभी लोग। दिस रूम इज डर्टी एनफ टू कीप एवरीबडी अवे, यह कमरा पर्याप्त गंदा है दूर रखने के लिए लोगों को, हर किसी को। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सो देट से जुड़ा हुआ हमारा सेंटेंस। हमने पिछले एग्जाम्पल कुछ देखे जो सिंपल सेंटेंस अलग अलग थे, इस बार जो हमारा सेंटेंस है फिर से कॉम्प्लेक्स है, जुड़ा हुआ पहले से ही है, कंजक्शन का प्रयोग हमारे सेंटेंस में हो रहा है। सो और देट का हमने जो पहले से यूजिंग पढ़ी है, कंजक्शन पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज में होने वाले। इस सो देट के जो सेंटेंस है उसको सिंपल बनाते हैं एन अप टू से। हर वॉइस इज सो लाउड दैट शी कैन स्पीक विदाउट माइक, तो उसकी आवाज इतनी जोरदार बुलंद है कि वो बिना माइक के बोल सकती है, दूसरों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकती है। उसकी आवाज बुलंद है, जोरदार है, तो हम कहेंगे उसकी आवाज काफी जोरदार है बिना माइक के बोलने के लिए। हर वॉइस इज लाउड इनफ टू स्पीक विदाउट माइक, तो बिना माइक के बोलने के लिए उसकी आवाज काफी दमदार है, जोरदार है। तो बन गया सिंपल सेंटेंस साधारण एनएफ टू से बोलने के लिए नॉन फिनाइट क्लॉज के रूप में। अगर हम ग्रामर में जानना चाहें तो ये नॉन फिनाइट क्लॉज है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बोलचाल में हमें किसी प्रकार के ग्रामर में जाने की। सिंपल सेंटेंस हमें कन्वर्सेशन को किस तरह से आसान छोटा बना सकता है उसकी विधि हम धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। हर वॉइस इज लाउड एनफ टू स्पीक विदाउट माइक, तो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हमें पूरे अंक ये दिला सकते हैं। हमारे जो सेंटेंसेस हैं आप जब उन्हें रीडिंग करें तो आपकी मीनिंग को वो पूरा सही निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं और इस तरह के कुछ एग्जाम्पल। हमारा अगला, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, इट कैन कीप अस हेल्दी, तो जो सुबह या शाम को चलने की एक्सरसाइज है, पैदल चलने की एक्सरसाइज है, वो हमें स्वस्थ रख सकती है। हमारा सेंटेंस एनएफ टू से हम बनाते हैं, जोड़ देते हैं। इस बार फिर से हमारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल दूर दूर के सेंटेंस को हम पास करेंगे, छोटा बनाएंगे। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज एनएफ टू कीप अस हेल्दी, तो पैदल चलना काफी अच्छी एक्सरसाइज है हमें स्वस्थ रखने के लिए, तो काफी अच्छे एक्सरसाइज है हमें स्वस्थ रखने के लिए। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज एनअप टू कीप अस हेल्दी, सिंपल बन गया, एनअप टू का हमने प्रयोग किया। दो सिंपल दो अलग अलग सेंटेंसेस को हमने जोड़कर और एक सिंपल छोटा सेंटेंस बना लिया, तो दो सिंपल को छोटा बनाना भी हम इस तरह से कर सकते हैं। सारे सेंटेंसेस आप देखते जाइए, पूरे वीडियो के सेंटेंसेस को आराम से देखिए, फिर एनअप टू से आप अपने जीवन के सेंटेंसेस कैसे पहचानते हैं उन्हें जरूर लिखते जाइएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर करिए। और सिंपल सेंटेंसेस बनाने की इस तरह की विधि आप कलर कोड से देख करके आपको इस तरह के सेंटेंसेस याद रहेंगे। हमारे सेंटेंसेस जो आपके जीवन के कितने करीब होते हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं हमारे सेंटेंसेस का एक और अगला एग्जांपल हमारे इस वीडियो में। ही इज वेरी टॉल, तो इस बार दिखा रहे हैं वो लंबा है, काफी लंबा है, बहुत लंबा है। ही कैन प्लक ऑल मैंगोज, तो जो आम है सारे आम है वो तोड़ सकता है। तो लंबा आदमी ऊपर फले हुए लगे हुए जो फल है उनको तोड़ सकता है, आराम से किसी चीज को निकाल सकता है, रख सकता है। लंबे आदमी का जो फायदा है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वो कितना लंबा है, वो इतना लंबा है कि सारे आम तोड़ सकता है। तो मतलब जमीन से खड़े खड़े ही या थोड़ी ऊंचाई पर जाकर के ही वो सारे आम तोड़ सकता है। इनअप से हम प्रयोग करेंगे, दो हमारे सिंपल सेंटेंस अलग अलग फिर से सिंपल सेंटेंस है, हम उसे फिर से एक छोटा सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। एनअप टू हमें मदद करेगा इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो देखिए दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हमें किस तरह से जो आने वाले मॉडल है उनको अलग करना होता है, आने वाला जो सेकंड सेंटेंस का मेन वर्ब होता है उसे जोड़ देना होता है। ही इज टॉल एनफ टू प्लक ऑल मैंगोस, तो वो काफी लंबा है सारे आम तोड़ने के लिए, वो काफी पर्याप्त लंबा है सारे आम वो तोड़ सकता है। तो वो इतना लंबा है, पर्याप्त लंबा है सारे आम तोड़ने के लिए। तो हमारे सेंटेंस सिंपल बन गए, एनफ टू का हमने प्रयोग किया है। नॉन फिनाइट क्लॉज किस तरह से हम बना सकते हैं एनएफ टू से वो भी हम देखते चल रहे हैं। हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल बना सकते हैं उसकी ये विधि भी हमारे काम में आ सकती है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। बोलचाल्स में भी हमें हमारे कन्वर्सेशन में हमारे रोज के बोलचाल में छोटा सेंटेंस बोलने में काम आ सकती है। तो आपने देखे ये सारे एग्जाम्पल जो अभी तक के आपने देखे हमारे सेंटेंसेस सिंपल और कॉम्प्लेक्स किस तरह से बन सकते हैं। आप इन्हें सारे सेंटेंसेस को लिखते जाइए, आपके आसपास किस तरह से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उन्हें जरूर शेयर करिए हमारे साथ आपके सेंटेंसेस। हमने जो इसके पहले भी वीडियोस में आपको कुछ होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क आपको मदद करेंगे आपके सेंटेंसेस को सही करने में, एग्जाम्स के सेंटेंसेस को आपके पूरे नंबर दिलवाने में। तो हमारे जो सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंसेस हैं हम इस तरह के और भी सिंपल सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस
क्लॉज जो हमारे होते हैं क्लॉज के सेंटेंसेस लाने की कोशिश करेंगे। हमारे सेंटेंसेस आपको एग्जाम्स में मदद करेंगे कि आप उनके स्कोर परीक्षाओं में पूरे कर पाए। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश फॉर सब्सक्राइब योर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो, शेयर योर नॉलेज, मेक इट ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।